हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शेगाव की कचौरी एकदम परफेक्ट। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले बोलो गजानन महाराज की जय। जैसे शेगाव के गजानन महाराज प्रसिद्ध है, वैसे ही शेगाव की कचौरी भी फेमस है और उसका एक पेटेंट है अपना खुद का। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 कटोरी मैदा लेंगे। मेजरमेंट लेने के हिसाब से आप 1 कप ले सकते हो। और 2 बड़ी चम्मच या 1/2 कटोरी मैंने हमारा गेहूँ का आटा लिया है। अब हम इसका आटा लगाएंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और मौन डालेंगे। अभी हम ठंडा तेल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले 5 चम्मच तेल डाला मैंने, छोटी चम्मच है 5, नॉर्मल चम्मच हमारी, वो डालेंगे और मिक्स करेंगे। जब सपोज़ उसका लड्डू अच्छे से बनने लग जाए तब हम उसको नहीं डालेंगे, पर अभी ये थोड़ा सा हल्का लड्डू बन रहा है तो इसमें मैंने 3 चम्मच और तेल डाला। जब मौन की मात्रा ऐसे नहीं समझ में आती है तो आपको बताती हूँ, जब 1 किलो मैदा या सब मिक्सचर रहता है तब उसमें 200 ग्राम तेल रहेगा। तो परफेक्ट मौन रहता है और ठंडा तेल से आपकी कचौरी एकदम क्रिस्पी बनेगी बाहर से भी। और सपोज़ आपको कोई चीज़ अंदर से नरम बनानी रहती है, देखो अभी कैसे बढ़िया लड्डू बन रहा है, इसका मतलब है मौन बराबर हो गया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, मेजरमेंट 1 कटोरी पानी लिया था पूरा मैंने, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाया तो 2 कटोरी के लिए मुझे देखो 1 कटोरी से इतना बच गया पानी, इतना आटा लगा। अब हम ढककर इसको आधे घंटे के बाद हम इसका कचौरी बनाएंगे। तो तब तक हम उसका मसाला तैयार करेंगे। 4 हरी मिर्च, लौंगी मिर्च चाहिए, लहसुन अदरक सौंफ जीरा खड़ा धनिया और 2 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी मिर्ची है ना उसको हम चीर मार लेंगे सारों को। मैंने यहाँ पे 4 ली हुई है, आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते। तो सबसे पहले हम जो मिर्ची है उसको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। जो कचौरी वाले रहते हैं वो एक साथ में 1-1 किलो मिर्ची फ्राई करते हैं तो उसका भी स्वाद एक अलग सा ही रहता है। अभी मैंने 4 मिर्ची ही फ्राई की, आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हैं। अदरक लहसुन और हमने जो अभी फ्राई की हुई मिर्ची है वो हम एक साथ में थोड़ा सा नमक डाल के कूट लेंगे, जिससे कूटते भी अच्छे जाएगा और उसका पेस्ट। आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो मिक्सर में भी कर सकते हो, पर कूटने वाला स्वाद एक डिफरेंट आएगा जो वो लोग भी कूट के ही करते हैं। उसके बाद खड़ा मसाला में जो खड़ा धनिया लिया था, 1/2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ, 2 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च, वो हम सबको ड्राई ही अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे, एकदम मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है, बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाए तब तक। अभी अच्छी खुशबू आ रही है तो हम बंद करके ठंडा करके इस मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एकदम बारीक पाउडर भी नहीं बनाना है हमको, एकदम जाड़ा भी नहीं बनाना है। तो आप देखिए अभी कैसे बनाना है शेगाव की कचौरी। जो मैं तो वैसे खामगांव की हूँ, यानी शेगांव नियर बाय है, बट जो नहीं भी है वो वहाँ की कचौरी जिसने खाई है उनको पता है वो कितनी यम्मी और डिलीशियस रहती है। वैसी ही बनेगी आपके घर पे। थोड़ा सा तेल लिया मैंने 3-4 चम्मच और उसके अंदर हमने राई जीरा डाला और फिर हमारा जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। इसको अच्छे से भूनेंगे। मेरी जो फ्लेम है वो अभी मीडियम फ्लेम है, मीडियम फ्लेम पर हमको अदरक लहसुन भुनना है। ये कचौरी आपकी 3 दिन भी ख़राब नहीं होती है, ठीक है, एकदम ड्राई रहेंगी। उसके बाद ये कचौरी का सपोज़ आप मसाला 2 दिन बना के रख दिए तो भी चलेगा। अब हमने इसमें डाला थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा गरम मसाला, एकदम थोड़ा सा डाला है, और थोड़ा सा चाट मसाला। उसके बाद में डाला हल्दी पाउडर। ये मसाला एकदम सिंपल है, एकदम घर में जो हमारे अवेलेबल रहते हैं वही मसाले हैं और टेस्ट बहुत। अब वो जो हमने मिक्सर में पीसा था हमारा धनिया पाउडर और सब, वो वाला पाउडर हमने इसमें डाल दिया। इसको भी हम अच्छे से 2 या 3 मिनट भून लेंगे। अब हम डालेंगे हमारा सादा नमक और काला नमक। हमने चाट मसाला भी यूज़ किया है और हमने लहसुन कूटते समय भी नमक डाला था तो उसकी मात्रा बराबर से रखिए। अब 1 कप मैंने, या आप बोल सकते हो 2 कटोरी बेसन लिया और वो हमने इसमें डाल के अच्छे से अभी इसको हम चलाएंगे। अब हमको इतनी देर चलाना है कि ये पूरा बेसन अच्छे से भून जाए। इसमें जो गुठलियाँ है वो भी निकालनी है। इस
पूरी प्रोसेस को आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे। आपको एकदम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भूनना है इसको, और जो कचौरी का स्वाद है ये इसी से आएगा। जब बेसन भून जाए अच्छे से, स्मेल बहुत अच्छी आ जाए, तब हम इसमें से पानी मारेंगे। यदि आपने मेरी मिर्ची का बेसन वाला रेसिपी देखा होगा, उसमें भी हमने बेसन को इसी तरीके से भूना था। तो ऐसे 3 से 4 बार मैंने पानी के ऐसे भपके मार के, आपको पानी नहीं डालना, ऐसे भपके ही मारना है उसको। ये स्पेशल प्रोसेस है और इसी से ऐसे ही बनता है वो। आप एक साथ पानी डाल दोगे तो वो बेसन बन जाएगा आपका। हमको एकदम ड्राई बेसन बनाना है, तो हम ऐसे 3 बार हमने ऐसे पानी डाल के उसको पानी डालना है चलाना है ऐसे करके 3 से 4 बार किया। और ये देखो अभी ऐसा उसको आपको वो एकदम सा बेसन भी नहीं बना, एकदम लिक्विड टाइप, और एकदम ड्राई भी नहीं है, हल्का ड्राई है, थोड़ा मॉइस्चर है अभी उसमें, वो अच्छे से पक जाना चाहिए। इसलिए हम इसको ढक के 5-7 मिनट ढकेंगे और फिर चलाएंगे, फिर से ढकेंगे, फिर से चलाएंगे। प्रोसेस थोड़ी लंबी है, बट स्वाद चाहिए ढंग बढ़िया शेगाव का। तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में शेगाव की कचौरी मिल जाए तो और क्या चाहिए। और जो सपोज महका है जिसका शेगाव खामगा, और उन लड़कियों को और उन लोगों को जो बाहर है खामगांव से या शेगांव से, उन लोगों के लिए तो ये स्पेशल है कि आप ये कचौरी एक बार ट्राई कीजिए। देखिए ये पूरी प्रोसेस को 25 से 30 मिनट लगे और आपका मसाला भी रेडी है। अभी हम इसको ठंडा होने के बाद इसके गोले बनाएंगे। अभी मसाला ठंडा हो गया है, देखो अभी ये गोले बनने में थोड़ी तकलीफ देंगी, तो क्योंकि ड्राई है मसाला, आपको थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा ही यूज़ करना है। तो आप थोड़ा सा इसमें पानी की मात्रा रख सकते हैं और थोड़ा सा उसको कम ड्राई कर सकते हैं, बट परफेक्टनेस ऐसी ड्राई कचौरी का आता है। ये सारे हमारे बॉल्स, छोटे छोटे मैंने बॉल्स बना लिए सारे। और हमारा अब हम जो आटा लगाया था हमने, उसको अच्छे से एक बार गूंद लेंगे और उसके छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। पर हमने जो मसाले की बॉल्स है उससे थोड़ी डबल बॉल रहेंगी आपकी मैदे की। 10 बॉल बनी 2 कटोरी आटे में। और ये देखिए अभी हमने थोड़ा सा हाथ को सूखा मैदा लगाया और उसको दबाया हाथ से ही, और हमारे जो बॉल बनाए थे हमने वो हम इसमें ऐसे प्रेस करेंगे। हाथ से इसको हमने थोड़ा सा प्रेस किया और ऐसे रख दिया। अब हम इसको अच्छे से मुंह बंद कर देंगे कचौरी का, और इसका ऊपर का निकाल देंगे हिस्सा। हाथ से थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगे, और देखो मेन प्रोसेस जो होती है ना कचौरी बनाने की शेगाव की, वो ऐसी होती है कि बहुत लोग उसको बेलन से भी बेलते हैं और बहुत लोग उसको हाथ से भी दबाकर भी बना देते हैं। तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, पर आपको परफेक्ट कचौरी बनानी है तो आप हाथ से दबा कर, मैं अभी आपको बताऊंगी। ये हो गई एक बेलन वाली, ठीक है। फास्ट में बनाना है तो ठीक है, पर ये फूल जाती है थोड़ी सी, और शेगाव की कचौरी ज़्यादा फूली नहीं रहती है, ठीक है। तो ये देखिए अब हम एक और बनाएंगे। उसके लिए सेम मैंने ऐसे ही आटा लिया, अब ये थोड़ा फोड़ दिया अंदर से ऐसा, और फिर अभी हमने ये पैक कर दिया। जिसने ये कचौरी खाई है उसको तो पता है, पर जो नहीं खाए वो प्लीज़ ये बना के देखिए। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए हम इसको ठोकेंगे ऐसे जोर जोर से हाथ की जो हथेली का जो लास्ट वाला हिस्सा है उससे, और हमारी ये कचौरी रेडी है। इस प्रोसेस से बनाएंगे कचौरी तो एकदम परफेक्ट शेगा वाली कचौरी बनेगी, जो कम फूली हुई रहती है, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा तेल मैंने रख दिया था चढ़क के गरम, अभी वो अच्छा गरम हो गया है। ये देखिए ऐसा मैंने टेस्ट किया, अभी गरम है। अब हम इसमें डाल, अभी जो फ्लेम है वो मीडियम है, तेल है जो अच्छा गरम है, तो तेल गरम करके फ्लेम को मीडियम करके हम इसमें डाल देंगे। और देखिए आपकी कचौरी एकदम बढ़िया से रेडी है। सीखने को टाइम लगता है इस कचौरी को, आपको पहले मीडियम फ्लेम पे आपको धीरे धीरे सेकना है। एक कचौरी सेकोगे, एक एक कचौरी, तो कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। और एक साथ में भी डाल सकते हो 3-4 कचौरी, मैंने थोड़ी थोड़ी एक एक ही तली है। देखिए अभी मैंने जिसे डाली, अभी उसका फ्लेम पहले हाई था, अभी एकदम लो कर दिया उसका फ्लेम, और लो करने के बाद हम इसको पलट के लो फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे इसका जो क्रंचीनेस है वो आएगा, जो बाहर का टेक्सचर है एकदम कड़क कड़क, वो आने के लिए आपको इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है।
तो रेडी है हमारी शेगाव की परफेक्ट कचौड़ी। एकदम बढ़िया दिख रही है ना, वैसे टेस्ट भी इसका बहुत बढ़िया है। और शेगाव की कचौड़ी बोलने के बाद हरी मिर्ची तली हुई तो चाहिए उसके साथ। तो रेडी है हमारी शेगाव की कचौड़ी। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये देखो मैं तोड़ के बता रही हूँ आपको अभी, ये एकदम वैसी ही बनी है जैसे शेगाव की कचौड़ी बनती है, एकदम वही स्वाद भी है उसका। एक मैंने बेलकर बनाई थी ये फूली गई, और जो दबाकर बनाई थी ये ऐसी परफेक्ट बनी है। तो स्वाद तो दोनों का सेम आएगा, पर ये थोड़ी ऐसी बन जाती है, और ये जो है वो मैंने अभी आपको तोड़ के बताई पहले भी। तो बेल के बनाना अवॉइड करके हाथ से बनाओ तो आपकी कचौड़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना। और ये शेगाव की कचौड़ी है बहुत ही यम्मी लगती है, बाकी कचौड़ियों से अलग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।